नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। साइबर सिटी में नगर निगम चुनावों को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सत्ताधारी दल इन चुनावों को लेकर अनेक प्रकार की रणनीति बना रहा है एवं अपने संगठन के सदस्यों को लगातार निर्देश दे रहा है। इसी के तहत रविवार को गुरुग्राम के वार्ड नंबर 14 के प्रबल दावेदार एवं जिला चुनाव प्रबंधन कमेटी के सह संयोजक विजय परमार के कार्यालय पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री यशपाल सुवर्णा ने प्रवास किया। इस मौके पर विजय परमार एवं उनके समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा की जिला कार्यकारिणी के अनेक सदस्य भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए विजय परमार ने बताया कि आज भाजपा के राष्ट्रीय एवं जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने उनके कार्यालय पर शिरकत की एवं आगामी नगर निगम चुनावों की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की। सब हमारा पार्टी का सीनियर फैसला करेगा किसको देने को किसको नहीं। हमारा एक ही एजेंडे है भाजपा का कॉरपोरेशन अभी दूसरा बार बनने का है। आज हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री यशपाल सुवर्णा जी हमारे यहाँ ऑफिस में आए हैं और हमारे दयान मंडल में इनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे महिला जिला अध्यक्ष सुंदरी बहन जी हैं, प्रभारी जी हमारे अरोड़ा जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सारी मंडली टीम है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको हम सबको पता है कि नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, उसकी डेट घोषणा होने वाली है, इसलिए सभी ने हमें राष्ट्र की तरफ से ये प्रोग्राम मिला है, इसलिए भाई साहब यहाँ पे आए हैं। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।